हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है नरेशन। पहले ये बताएं, कल का टेस्ट हुआ कि नहीं आपका? कल आपका टेस्ट हुआ कि नहीं? चलो, ओके। आज स्टूडेंट्स की संख्या कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे, शायद बारिश होने के बाद में जगह है मेंढकों की तरह, है ना? आज काफ़ी संख्या है। चलिए, अपना रोल नंबर कितना चल रहा है प्लीज़ मुझे बताएंगे। सर, ये मैसेज बॉक्स खोल देने नीचे। इम्पेरेटिव की बात हम कर रहे थे जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। इम्पेरेटिव जिसका कंजंक्शन अपन ने बात की, टू होता है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई क्या? देखें इंपेरेटिव वाली चल रही है क्या, ये बताएं मुझे। नो, यू टेल मी। लास्ट सेंटेंस क्या था अपना, वो लिखें। कहाँ चले गए सभी लोग? कौन लिख रहा है? लास्ट सेंटेंस लिख के बताना है मुझे। व्हाट वाज आवर लास्ट सेंटेंस? प्रीवियस क्लास में लास्ट सेंटेंस क्या था, ये लिखना है आपको। रूल तो चेंज होते रहते हैं, जैसे आपने लिखा रूल नंबर 6, ये तो हर क्लास के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। सेंटेंस लिखना है गगन, सेंटेंस लिखिए। लास्ट सेंटेंस क्या था? क्या नहीं लिख पा रहे हो? हेलो टीना, नहीं सुन पा रहे हो आप लोग? क्या बात है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है अपनी क्लास? तुम लोग फिक्स हो काफी देर से, अब चल रही है? बहुत देर से तुम हिल नहीं हो, बिल्कुल एकदम स्टैंड बाई मोड पे हो सारे के सारे। चलिए, तो मैंने आपसे अभी बोर्ड पे लिखा मैंने इंपेरेटिव का रूल था क्या, तो आपने लिख के भेजा नहीं था, जबकि ये इंपेरेटिव का ही रूल था। जो सेंटेंस आपका
ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। जो हमारी बात हुई थी कमांड और ऑर्डर वाली बात हुई थी कि कमांड और ऑर्डर में कोई डिफरेंस है क्या, ये बात हुई थी ना। चलिए तो इंपरेटिव सेंटेंस में 2, 3 और 4 टाइप्स के सेंटेंस हमसे पूछे जाते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। ये जो बोर्ड पे लिखा है हमने, इसको ऑर्डर करके हमने इसको बनाया है। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। My mother shed Don't tell a lie. देखिए, my mother said, don't tell a lie. Okay? ध्यान देंगे सभी लोग। तो माँ हमें क्या कहेगी, कमांड करेगी, ऑर्डर करेगी, एडवाइज करेगी, ठीक है। ये क्या है इसमें, तो आप कहेंगे माय मदर एडवाइज्ड मी, एडवाइज्ड इज माय मदर एडवाइज्ड है। कोमा हटा करके जब कोमा हटाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, तो हम लिखेंगे नॉट टू टेल ए लाई, माई मदर एडवाइज्ड नॉट टू टेल ए लाई। ओके, एक तो तरीका होगा ये। दूसरा देखिए आप, इस एडवाइज की जगह पे आप यूज करें फॉरबिड। क्या यूज करें, फॉरबिड, तो नॉट रिमूव हो जाएगा। माई मदर फॉरबिड टू टेल ए लाई, दोनों टाइप से आप लिख लीजिए, फॉरबिड टू टेल ए लाई और एडवाइज करेंगे तो नॉट को टू से पहले लाना पड़ेगा, नॉट टू टेल, ये ध्यान रखेंगे, दोनों लिख लेंगे अपने पास में। ओके, चले आगे। अगला सेंटेंस लिखता हूं मैं इसमें, माय फ्रेंड शेड टू मी गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर पेन प्लीज। अगर आप कंप्लीट समझ रहे हो तो आप मेरे बताने से पहले बना के देख लें। अगर किसी को कंप्लीट अंडरस्टैंड है तो वो अपने आप को कंफर्म करके देख ले, लिखा करें, खुद बनाइए, गलतियां कितनी होती हैं और एक शॉर्ट टाइम में आप कितना कर पाते हो इन ए फिक्स्ड गिवन टाइम, जो शॉर्ट टाइम में तुम कितना कर पाते हो ये अपने आप को चेक कर लिया करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू वेट, कोशिश बिल्कुल ना करें, इंतजार की कोशिश ना करें कि इंतजार करते रहो टीचर बताएगा ना, नहीं, लौट लीजिए, मजा आएगा। अगर आप 70-80% भी सही कर लेते हैं तो मान के चलिए कि चांस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को स्टडी करने के बाद आप सेट टू को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्लीज रिक्वेस्टेड, माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड, माय फ्रेंड
रिक्वेस्टेड मी टू गिव, प्लीज रिमूव हो गया रिक्वेस्टेड की वजह से, मी और योर को चेंज करना है, ठीक है। ओके, नाउ चेक, अब देखिए आपने कितना सही किया, तो पता लगेगा कि मैंने इतना सही किया था और मैंने इस बात को गलत अंडरस्टैंड किया, इसके बदले ये आना चाहिए था। ऐसे सोच के देखेंगे तो आपको स्टडी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लिख चुके हो सभी, लिख ही लिए होंगे, छोटे बच्चे तो हो नहीं, छोटे शिकायत करते हैं तुरंत, सर जल्दी साफ कर देते हो, है ना। चल अब नेक्स्ट सेंटेंस को मैं आपके लिए छोड़ता हूं कंप्लीट, आप लोग ही उसको करेंगे। अब एक चीज नोट करिए, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कंटिन्यू जो क्लास अटेंड कर रहे हैं जो लोग, वो लोग एक बात को कैलकुलेट करें अपने माइंड में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये 40 मिनट्स कम पड़ जाते हैं, अब जाके ऐसे नहीं लगने लग गया कि तुरंत ही हो जाते हैं, दो सेंटेंस पढ़ाते हैं ओनली, बस एक या दो रूल पूरे, एक रूल भी हो जाए तो आज भी ये इंपरेटिव खत्म कर दे तो टीचर, अदरवाइज यही नहीं होगा। अब हमें स्पीड भी स्लो लगने लग गई है और टाइम भी हमें ऐसे लगने लग गया कि नाक के बराबर समय होता है, इसे कहते हैं वक्त का तकाजा। वक्त को अंडरस्टैंड कर जाओ, पता ही नहीं चलेगा कब कट गया, तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि वक्त के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे आप तो मजा आ जाएगा। पढ़ा रहा हूँ जो तो एक नॉर्मल सी बात मान लो कि मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ और आप सीख रहे हो, बड़ी बात का नाम है कि आप लोग इस 40 मिनट्स के लिए अपने आप को तैयार करके बैठते हो। जितने बैठ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स अपने 11-12 के समथिंग रहते हैं, ठीक है, जितने भी हैं अच्छे हैं, बट जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं शुरू से, मैं उनकी एक भी टॉपिक को या एक भी सेंटेंस को बिल्कुल छोड़ के नहीं चलूंगा। ओके, सो ट्राई टू बी कनेक्ट मी अकॉर्डिंग टू माई यू। नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू, ये आपके लिए है कंप्लीट। ओके, सभी अपना माइंड यूज करेंगे और गलतियां करेंगे जम के, गलतियां करेंगे जम के, गलतियां करेंगे। ओके चलिए, द ऑफिसर शर्ट अपना पूरा माइंड यूज करना है, यानी फुल माइंड के साथ में आप इस सेंटेंस को लेके ग्राउंड में उतरोगे। ये भी कोई युद्ध से कम नहीं है, युद्ध में तलवारें चलती हैं, यहाँ पे पेन चलता है, माइंड साथ रहता है, ठीक है। पूरा माइंड यूज करेंगे कि 11th स्टूडेंट स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कितना कर पाते हैं, देखिए इसको देख के। गलतियाँ करिए मैंने कहा आपको, क्योंकि मैं बैठा हूँ अभी, तो आपकी गलतियाँ सब चलेंगी, ठीक है। लास्ट में फिर वही बात आई, मैं बोलूँगा कि गलती नहीं करनी है, पूरा सोच समझ के बनाना है। चलिए,
बन गया है। चलिए, इफ यू वॉन्ट टू शो राइट डाउन, अदरवाइज मैं बना रहा हूं इसको। बहुत से लोग तो इसलिए नहीं लिखते हैं कि पता चल जाएगा सबको कि मैंने गलत बनाया है। बहुत से लोगों की थियरी है कि मैंने गलत बना दिया, ये पता चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने बनाया ये तो पता चलेगा ना, गलत बनाया वो आगे की बात है। फर्स्ट है कि इतने बड़े मैसेज बॉक्स में हम अकेले शेर हैं इस जंगल के, जो मैसेज डालता है। बाकी तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं है। चले आगे, अगर किसी ने लिखा हो तो डाल सकता है, अदरवाइज हम चलते हैं आगे। पहले समझ लें इसको, बाय द वे सही किया हो तो। यस टीना, आपकी ट्राई अच्छी है, दिखाइए। द ऑफिसर कमांडेड टू स्टॉप देयर कमांडर्स। एक मिनट रोको, कॉपी को हिलाओ मत, यहां रोक लें। एक मिस्टेक हो गई है, नहीं गलतियां करते जा रहे हो। टीना देख लिया है, मैंने देख लिया है, गलती हो गई है, ठीक है। चलिए, क्या बात है। ये अंतिमा कैसे बैठी है चुपचाप? गगन चुपचाप बैठा है, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? हाँ, सभी के आंसर आने चाहिए। ये जो इनविजिबल मैंस है, लाइक संजय, संजय कौन है? ये लोग भाई विजिबल रहा करो, तुम लोग इनविजिबल रह करके फिर आंसर दे रहे हो, तो दिखो भी मुझे, पता चले किसने लिखा है, क्या लिखा है। ओके, चलते हैं आगे। सी, बोर्ड पे ध्यान दें सभी लोग। द ऑफिसर शेड, ऑफिसर ने कहा कमांडोज, तो द ऑफिसर शेड टू द कमांडोज। ओके, यहां देखिए कॉमा है, ये कमांडोज हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑफिसर ने किसको कमांड किया, ऑर्डर कह सकते हैं हम, द ऑफिसर ऑर्डर्ड, सॉरी द ऑफिसर ऑर्डर्ड द कमांडोज। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द कमांडोज टू स्टॉप, इसको बदलने में कोई दिक्कत ही नहीं है, टू स्टॉप। और एक आपने हियर को नहीं बदला, देयर। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम लोगों के माइंड से बिल्कुल आउट रह जाती हैं। द ऑफिसर कमांडेड टू स्टॉप द कमांड, स्टॉप देयर कमांडोज। ये सेंटेंस आपका इधर उधर हो गया। संजय, आपकी ट्राई बहुत शानदार थी, गजब ट्राई है, आपने अरेंज ही बहुत अच्छा किया है, ठीक है, ध्यान देंगे आप। यहाँ पे कमांडेड भी काम है, द ऑफिसर कमांडेड द कमांडोज भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये अंदर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को अंदर ले लिया था, ताकि देखिए बच्चे कुछ करते ही नहीं। ओके, हियर को देयर करना था, किया भी है एक भैया ने। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इसके बाद में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, न्यू रूल है ये अपना। इफ द सेंटेंस ऑफ आर एस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, आराम से लिखिए, मैं रिपीट करूंगा। इफ द आर एस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इफ द आर एस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस,
ऑप्टेटिव सेंटेंस. देन वी यूज एट द प्लेस ऑफ सेड, प्लेस ऑफ सेड, सेड टू विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ट. ठीक है, लिख दीजिए शेड टू के रिप्लेस में यूज करते हैं विश्ड, ब्लेस्ड, कर्स्ट. लिख दिया है, चलिए. एग्जाम्पल लेंगे इसका, फिर से लिख लें. आर एस सेंटेंस अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस हो तो सेड टू के स्थान पर हम यूज करते हैं आस्कड, सॉरी विश्ड, ब्लेस्ड और कर्स्ड. कोई तो विश करेगा हमें, कोई ब्लेस करेगा, हो सकता है कोई हमें कर्स भी कर दे. कर्स मीन्स अभिशाप देना, अभिशाप देना. ठीक है, ये सारी इसी के रूलिंग होंगे. नाउ टेक द एग्जांपल. ठीक, चलिए. ही शेड, ही शेड टू मी गॉड God save you. God save you. Only ध्यान देंगे अभी, अभी only ध्यान देंगे. ठीक है, देखेंगे अच्छी तरह से. मार्क यहां पे मैं ध्यान नहीं दिया, ये आएगा मार्क लास्ट में. इसमें जब इस सेंटेंस को अच्छी प्रकार से अगर हम हमें लिखा मिले तो ये मिलेगा मे गॉड सेव यू. ध्यान देंगे अच्छी तरह से, ये ऐसे लिखा हुआ मिलता मे गॉड सेव यू. इसको डिजाइन में लिखेंगे तो मे को यूज नहीं करते हैं, गॉड सेव यू, भगवान तुम्हें बचाए रखे, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जो हम बोलते हैं वो सेंटेंस है. तो सेड टू को हम चेंज करेंगे अब इसके मूड के आधार पे. ठीक है, किस मूड से ये सेंटेंस बोला गया है अकॉर्डिंग टू दैट हम यूज करेंगे. ठीक है, चलिए. तो हुआ क्या, ही इसे क्या किया हमारे लिए, प्रेयर किया इसने, ही प्रेयर टू मी दैट, कोमा हटा करके दैट, ही प्रेयर टू मी दैट गॉड मे माइट सेव यू मी. ही प्रेयर टू मी दैट गॉड माइट सेव मी. ध्यान देंगे, लिखना नहीं है अभी, अभी लिखना किसी को नहीं है. देखिए टू मी हमने यहां पे लिखा,
टू मी हमने लिखा। इसको हम यहाँ नीचे यूज नहीं करते हैं, बता दूं मैं आपको, ये ओनली यू को डाइजेस्ट करने के लिए मी लिखा है हमने। देखिए तो ही प्रेयर दैट है, इसको यूज नहीं करते हैं। पहली बात तो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लिखा हुआ आ गया तो यूज नहीं करते हैं। ही प्रेयर कोमा हटा करके दैट गॉड माइट सेव मी। देखिए क्यों नहीं यूज किया, ये मी यहाँ पे आ गया तो डबल रिपीट होता, एक मी यहाँ था एक यहाँ था, इसलिए ये मी किसके रिप्लेस में है, यू के रिप्लेस में। इसलिए मी का होना जरूरी है क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए हम आरवी के ऑब्जेक्ट को जाके देखेंगे। ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है तो आप मिसगाइड हो जाते हो, इसलिए मी दे रखा है। नीचे यूज नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट होता है, इस वजह से ये बनेगा ही प्रेयर्ड दैट गॉड माइट सेव मी। और ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ आए तो भी और ना आए तो भी आपको माइट यूज करना है। अब लिख लीजिए आराम से, लिखिए अब। अब जिसके माइंड में ये हो कि समझ में नहीं आया नो प्रॉब्लम, दूसरा लिखूंगा, ठीक है। ठीक है दूसरा लिखता हूं, अच्छी तरह समझेंगे इसको। ही शेड लॉन्ग लिव आवर प्रेजिडेंट, लॉन्ग लिव आवर प्रेजिडेंट। ओके, अब जो आपको कंप्लीट यहां बताया है इसको यूज करेंगे इसके अंदर। मैं बदल लिख दूं यहां पे, ही विश्ड कोमा रिमूव करके दैट, ही विश्ड दैट। ओके, इसके आगे आप लिखिए अब क्या लिखोगे। बोलो, बोल नहीं सकते हैं ना, लिख सकते हैं सर, समय ऐसा है, लिख सकते हैं बोल नहीं सकते। चलिए डेट के बाद में सेंटेंस को लिखिए। डेट Our president प्रेजिडेंट। अब आपको बताया था कि जो मैं है वो साइलेंट रहता है, आप यूज करेंगे माइट। अब प्रेजिडेंट माइट लॉन्ग लिव, लिख दीजिए।
हो गया, लिख चुके हो, होमवर्क, वेरी नाइस। तो लास्ट टाइम है तो होमवर्क ही लिख लीजिए फिर तो। अभी एक मैसेज आया, होमवर्क किसने लिखा है, तो अगर है ऐसा तो होमवर्क ही लिख लीजिए, अभी डाल देते हैं। मैं इस मैसेज को हटा देता हूँ। अगला सेंटेंस लिखिए, He said to her. May you die soon. आप होमा की लिख लीजिए फिर है बेटे। चलिए सेकंड सेंटेंस, thank you.
लिख चुके हैं। चलिए ये 5 sentences इसमें आपको जो बताने का है वो बता दूं। लास्ट 1 minute बचा है, थोड़ा सा ध्यान दें किस पे। ए गुड मॉर्निंग, ठीक है। और जो फेयरवेल वर्ड आ रहा है ना, इसके लिए आप यूज करेंगे बेड। फेयरवेल में लोग अलग होते हैं, तो अलग होने के लिए बेड यूज करेंगे, अलविदा, ठीक है। जैसे गुड बाय, गुड बाय में भी यूज करते हैं, बेड का यूज करते हैं। कोई बोले कि ही शेड मी गुड बाय, तो ही बेड मी गुड बाय होता है वो, ही बेड मी, अलविदा के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। और गुड मॉर्निंग होता है जो विश होता है, गुड मॉर्निंग विश होता है। ओके, कल मिलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, ये आप करके देख लेना, कोई मिस्टेक हो या कोई बात हो तो कल आते ही पहले इनको पूछेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो कल आई थिंक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चलो अभी क्लास ओवर होने वाली है। ये नितेश खत्री है, कौन कौन है, समीर खान है, विवेक लिखा रहा, आप एक बार आ जाइए स्क्रीन पे, जाते जाते स्क्रीन पे चेहरा दिखा के निकल जाओ। क्लास ओवर होने वाली है, कभी भी हो सकती है ना। छुपे हुए पड़े हो आप लोग, कहाँ रहते हो। वेरी गुड, वेरी गुड समीर, आर यू फाइन समीर। ऑफ स्क्रीन रहते हो, क्या बात है। ये नितिन खटाना खन्ना आ गए हैं, नितिन खन्ना, बड़ा ऑफ स्क्रीन रहते हो, क्या चक्कर है तुम्हारा, क्या हो, कैसे मिस्टेक हो गया, मतलब फालतू था वो इसका मतलब है। मैं एक यूज करके इधर ही मिलते हैं, तो इधर और इधर ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मार्क्स है ना, ये वायरलेस में आ रहा है, तो 4:30 तो खत्म हो जाता है। हां जी, हो जाता है। अरे सिस्टम काम दे सकते हैं जी, अरे इसमें 6:00 तक काम हो पास कर रहा है, जैसे इसको वो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंगल भी यूज हो सकता है आराम से, जैसे यहाँ चेयर हो ना, आपकी चेयर में रख लो, माउस माउस का इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उस टेबल, ये टेबल है, इसके यहाँ हो गया माउस।